हेलो एवरीवन, आज हम कार्य पत्र 25 करेंगे, 1 अक्टूबर का, क्लास 6 का। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्य पत्र में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखा नादान दोस्त पाठ पढ़ा। अब इसके आगे का काम करेंगे। अब आगे का एक जीवन की सीख दे रखी है आपको, और ये हमारा आखिरी अंश है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे क्या हुआ, श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आती है। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उससे एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया, कि हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, हाँ दिखा दूंगा, पहले जरा वे टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूँ, ऐसे केशव कहता है। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो दे। अब आगे, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर रख दिया। अब जा दाना और पानी ले आ, ऐसा केशव कहता है। फिर कहता है, मैं उतर जाऊंगा, अगर तू ये ले आएगी तो मैं उतर जाऊंगा और दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आई, प्याली में पानी और चावल ले आई खाने के लिए। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से ऊपर आई। श्यामा ने गिड़गड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब केशव, तू गिर पड़ेगी, तुम गिर जाओगी। अब श्यामा, ना गिरूंगी भैया, नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेंगी, ऐसा केशव कहता है। कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, और फिर तुम अगर चोट लग गई तो कहोगी तुमने चढ़ाया था भैया, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पाल लियो, ऐसा कहता है। अब चलिए अपनी समझ को परखते हैं। तो यहाँ पे जो अंडे हैं, जब हम उन्हें छूते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर उन्होंने ये गलत चीज़ करी, जिसको हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। अब आगे करते हैं क्वेश्चंस। केशव ने टोकरी को किससे टिकाया, किससे, टहनी से। आहिस्ता शब्द का अर्थ क्या होता है, धीरे। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, भाई वाक्य में गिड़गिड़ाकर शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। अब केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या किया, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए ऊपर एक टहनी से टिकाकर रख दिया। अब आगे कल्पना कीजिए कि आप केशव और श्यामा ने चिड़ियों के अंडों की रक्षा की या नादानी। मेरे ख्याल से उन्होंने नादानी की, क्योंकि हमें कभी भी चिड़ियों के अंडों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब आगे केशव ने टोकरी को एक टहने से टिकाकर रख दिया। श्यामा ने गिड़गड़ाकर कहा, आप यहाँ पे कुछ शब्द देख रहे हैं, रेखा के शब्दों को ध्यान से देखें, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब आपको और कुछ ऐसे ही विशेषण दिए हैं क्रिया विशेषण, अब इन पे भी आप क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। झुंझलाकर, वह तो सबको झुंझलाते हुए भाग गया। घबराकर, श्यामा तो घबराकर चली गई। बनाकर, वो मुझे बेवकूफ बनाकर चले गए। आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।